दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक आरोग्य रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो दोस्तों, आए दिन हम सबको पता है कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे पब्लिक रिएक्शंस देख रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, वहीं कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत हद तक मतलब अनबिलीवेबल इतने फनी रिएक्शंस हैं अनअवेयरनेस को लेके पाकिस्तान में कि वो बिलीव नहीं होता कि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ऐसे वीडियोज हो सकते हैं। बट आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो देख के आप और भी ज़्यादा शॉक होंगे, इसलिए मैं कहूँगी इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। कसम से कह रही हूँ कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे, आपका पेट दर्द होने लगेगा, इतनी हंसी आने वाली है। तो अगर आपको मतलब मैं रियली चैलेंज कर रही हूँ कि यू शुड रियली वॉच दिस, इट्स अ रियली गुड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया से लेके पाकिस्तान की पब्लिक, वहाँ की मीडिया पे जो अटैक्स हो रहे हैं, न्यूज रूम वाले किस तरह से चंद्रयान को लेके इतने कमेंट्स कर रहे हैं और इस हद तक कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर आप उनका लेवल ऑफ नॉलेज देखेंगे, उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस को देखेंगे, तो आई स्वेयर आप पागल हो जाएंगे। और उसी के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ। सो ऑल्सो डू वॉच टिल एंड विदाउट स्किपिंग इट, यू विल रियली एंजॉय इट। थोड़ी सी लॉन्ग जरूर है बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आया, मैं खुद इतना हंस रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि विच पार्ट आई शुड यू नो स्किप और कौन सा मैं पार्ट आप लोगों को शेयर करूँ आप लोगों के साथ वीडियो में, कौन सा ना करूँ। बट यू नो आई थिंक ये सारा कंपाइलेशन जो है वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। सो थैंक यू टू माई सब्सक्राइबर हु हैज शेयर दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो साथ ही कि यू नो इस पर रिएक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से अपने कॉमेंट्स देते रहिए, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। जो लोग नए हैं उन्हें भी वेलकम एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन। सो बिना किसी देरी के आइए इसे शुरू करते हैं। कुछ बात अब हम करेंगे चंद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस पर उस वक्त काम हो रहा था। ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे मेरा ख्याल। ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, बंदर वहाँ पहुँचता है प्यास व्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है बंदर। असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है वैसे, इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए बंदा प्यास लगे। इतना डरपोक मुल्क है वो, इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले मैच आके। 2 साल आ गया, 5वीं इकोनॉमी है ठीक है दुनिया की, और उन्होंने क्या क्या नहीं बना लिया हमारी आंखों के सामने, क्या क्या नहीं बनाया। और हमने पाकिस्तान को 2 टमाटर के ट्रक भेज दिए, और भाई तुम लोग क्या क्या ले जाते हो, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गजनफर हुसैन अब्बासी। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, अप्रिशिएट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुँचे हैं, चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुँचा है, क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पर हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे, एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है, वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं अगर यही सोच हमारी रहेगी आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात वो उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? साथ भाई मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? ये रियलिस्टिक खबर नहीं है ये, सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया आपको? इतना इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है, अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए? अल्लाह नोज दैट। नहीं नहीं फिर भी आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से शायद पहुंच गया और शायद नहीं भी पहुंचो, ठीक है। अभी ये रिएक्शन देख के या इनकी ओपिनियन देख के थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके, ये ऐसे तो हम भी कह दें कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके कहूंगा मैं चांद पे खड़ा हूँ। अच्छा
मैं नील आर्मस्ट्रांग, तो फिर दुनिया नहीं मानेगी ना? नहीं ना होगा वो, इस तरह नहीं होता, लेकिन हो सकता है मे बी के वो पहुंच गए हो। ठीक हो गया, ठीक है। पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया? मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ, मैं पढ़ती हूं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है इंडिया? मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ, अभी गुस्सा आ रहा था ना, इतना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है। मैं तो पाकिस्तान में बात करूं, मैं तो इंडिया को ना, इंडिया आपको देता है ना? क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया से आती है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड। ये हकीकत में है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे जे करते हैं, उन पिछले दो घंटे इंडिया की जे जे किए जा रही है। और पाकिस्तान में कुछ है ये बताते हो? करप्शन है या नहीं है ये बताएं मुझे, अब मैं ये मुझे बताएं। अगर सुनोगे नहीं तो चलाने से तो सच्चे अच्छा नहीं हो जाओगे ना। पूरी दुनिया से मुबारकबाद रिसीव करता हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी, लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूँगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़े कुरान। हाफिज़े कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ इंग्लिश उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक तैयारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुँच गया है? जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता? चलो ये बताओ जी, क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना, वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई हैं। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता जी, है जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तलीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं ना? नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने बना रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया, चांद सुबह से जाता है शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता, वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे, वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले, वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालिबन 1,00,000 से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते हैं? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा?
आवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं जी? नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहते हैं? जमीन फ्लैट है या गोल है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है, एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना, इन्होंने जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा हम काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नजायज काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया, हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद हम आते थे टैंकी से पानी साफ़ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है, अब हमारे हुक्मरान गंदे हैं, पीछे आवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए आवाम काम नहीं कर रही जी? अच्छा एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने उन्हें बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता, जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक के मेरे मालिक ने मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है, जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देता है वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है जी? क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्याती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो, तो फिर हम ये जो काफिर काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है, ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है इस उनकी इस जीत पे, क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें, अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़ासअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वाला जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ, फिर कोई भी काम करो वो हराम है, जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा बच्चों, इससे मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए, लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरसे निज़ामी का स्टूडेंट हूं और मैं पाँचवें साल में और जामियतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूं और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे, इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे इंशाल्लाह? वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा, इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। थोड़ा आगे हो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो ना लग जाएं। अच्छा, इंडिया ने मून मिशन किया उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के खिलाफ है उनके खिलाफ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए और जो इस्लाम का काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर जाना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरत हैं वो दिखानी चाहिए कि क्या किस तरह किसकी फलकियात में उसने किस तरह बनाई हुई है, किस तरह ज़मीन उसने पैदा की हुई है, ये सारा हमें खुद देखना भी चाहिए और दूसरों को इसका ज़हन भी देना चाहिए कि वो भी देखें और कुदरतों का नज़ारा करें। मदरसे में साइंस मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BA स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तलीम भी दी जाती है ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तलीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है?
زمین اعلیٰ حضرت جو ہے میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے، یعنی یہ رکی ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھوم رہی ہے، گول کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ یہ انڈیا چاند پہ چلا گیا، لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا، انفارچونیٹلی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، یہ دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ، اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی، چاند گرہن کیسے لگتا ہے، سورج گرہن کیسے کرتا ہوں۔ یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے، بس جو جو ہے نا چاند یہ اس کے گرد جو گھومتا ہے یہ گھوم رہا ہے، زمین گھوم نہیں رہی ہے۔ تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گرد، سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی روزانہ کی کہتے ہیں جو ہے ہوتی ہے اس کی جہت، اس سے اوپر اوپر بڑھتا جاتا ہے، اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے، جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی، یہ جو سورج ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم کی کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح کے کہتے ہیں آسمان دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا، سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا، کیا بتاتے ہیں؟ دن، کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے اس نے یہ نظام رکھا ہے، جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق کی دوسری جانب چلے جاتا ہے، جس طرح پاکستان اور انڈیا، جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے، اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک ہے۔ اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا؟ نہیں نہیں، کیا ہوتا ہے، جہاں سے کہ کہتے ہیں سورج چلے جاتا ہے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، اور جس جگہ جاتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے۔ مطلب سورج گھوم رہا ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں گھوم رہی؟ دنیا جو ہے نا زمین وہ بالکل رکی ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے۔ زمین کو کس نے روک رکھا ہے، یہ بھی بتایا ہوگا قاری صاحب نے؟ نہیں، یہ باقاعدہ میں نے بک پڑھی تھی، اس کے اندر یہ مجھے ڈیٹیل میں۔ کون سی بک پڑھی تھی جس میں بتایا تھا کہ زمین نہیں گھومتی ہے؟ میں نے نصاب توقید پڑھی ہے، وہ بھی مولانا لوگوں کی لکھی ہوئی؟ جی الحمد للہ، دعوت اسلامی کی نشاط ہے۔ آپ ذرا ادھر، ایک بڑا اہم چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھوں گی، ادھر آئیں میرے ساتھ جو ہے، میں آپ سے اور بات کروں گی، لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مدرسے بچے کہتے ہیں کہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے، یہ نہیں گھومتی۔ قاری صاحب یہ پڑھاتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے، یہ نہیں گھومتی، گھومتی سورج گھوم رہا ہے، باقی کوئی چیز نہیں گھومتی، نہیں گھومتی ہے زمین، یہ گھومتی ہے۔ تو پھر آپ کی تھیوری میں فرق کیا ہے؟ بس تھینک یو، اتنا ہی کرنا تھا، میں بچوں سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم جو ہے نا اسلام میں ہے نا، یہ اسلام میں ہے یہ۔ اچھا، اوپینین، اوپینین چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بچے کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت کا اوپینین تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مشاہدات، ادھر آ جاؤ وائر سے، ادھر ہو جاؤ، انہوں نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں بتایا تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو چینج بھی کر دیتا ہے، ایسے ان کا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 100% پرفیکٹ ہی ہو۔ انڈیا میں 23 اگست کو اسپیس ڈے کے طور پہ منایا جائے گا تاکہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی ہو کہ ہم نے چاند پہ جانا ہے، ہمیں گلیکسی پہ جانا ہے، بڑے بڑے مشن کرنے، اس وجہ سے انہوں نے 23 اگست کو اسپیس ڈے کا نام دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، انہوں نے جائز کیا کہ یہ ناجائز ہے، حرام کام ہے؟ انہوں نے اچھا کیا ہے۔ اچھا جی، سائنسی میدان میں بھی مدرسے کا اصل کام یہ ہے کہ اسلام کو دین کی طرف لانا، ٹھیک ہے، اسلام کو دین کی طرف لانا، عوام کو دین کی طرف لانا، اور باقی جو کام ہے چاند پہ جانا، یہ ٹیکنالوجی ہے، سارا حکومت اور دوسری پبلک کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسے نے صرف لوگوں کے جتنے بھی دینی صلاحیت جتنی بھی ابھار سکتے ہیں وہ ابھارتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ادارے اتنے ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور حکومتی لیول پہ اس پر اقدام کرنے چاہیے کہ چاند پہ جانے کے لیے جیسے انڈیا نے اقدام کیا، پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات۔ مدرسے میں انڈیا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، مدرسے میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی، بس جاتے ہیں پراپر جو ہمارا شیڈول بنا ہے پیریڈس کا، بکس وائز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی الگ سے اوپینین کسی آپ کے بارے میں لینا ہو تو لے لیتے ہیں۔ اگر ہم مدرسے میں جا رہے ہیں وہاں پر ہم نے کیا کہتے ہیں جو فقہی مسائل ہے وہ ہم سیکھنے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں گائیڈ کیا جاتا کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی جگہ گستاخی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر گستاخی ہوئی ہے اور اس کا یہ رد ہے، ہمیں جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی، ہم اپنی تعلیم پہ وہاں پر فوکس کرتے ہیں اور اپنی جو عربی اسکلس ہیں ان کو وہاں پر کیا کہتے ہیں
अनाउंस करते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है मदरसों को। मैं तो यही कहूँगा कि अपने आलिम अपने खानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है, जहाद किन लोगों के ख़िलाफ़ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान ही रखते हैं, योम ज़रूरियात दीन यानी जिसका जानना हर आमो खास पर की कहते हैं ज़रूरी है, उनका उनमें से किसी एक का भी इनकार करते हैं तो वो इस्लाम जो है दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी एक अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब के कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी के कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जिस ट्रेन हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फर्ज है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई मना कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तब ये जहाद फर्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं, जैसे आकल इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों ने सारा रहते थे, उनको तहफ़ दिया जाता था, ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर उसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में से हम आपके ऊपर कोई हमला करता है तो अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है, इस्लाम उसको जहाद कहता है और मैं भी इसी को जहाद कहती हूँ। जब आप पे कोई हमला करे और आपकी जान को ख़तरा, आपको पता है कि ये मुझे मार देगा, अब मेरा बचना जो है नामुमकिन है, उस वक्त आप अपने आप को अपनी दफा के लिए जो कदम आप उठाते हो बेसिकली वो जहाद है। लेकिन मैं ये एक चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है, मैं इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा भी सम टाइम कर जाती हूँ, हमें आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान के, कोई सिख है उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है उसको हिंदू कहते हैं, ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते, नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको आप किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आते हैं, क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही कहते हैं लाजिम है, हम पर फ़र्ज़ है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए, उसको हम क्या कहते हैं ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं, लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर नहीं है, लेकिन उनके उनके अंदर भी कैटेगरी है। दरअसल कम्युनिटी दो तरह की है, एक है जो इस्लाम में दाखिल है, जो इस्लाम में दाखिल नहीं, जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे, उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे जो भी होगा सबको अलग इतलाक सब पर कुफर का इनाम आएगा, उसके बाद उसकी बनती हैं कि कोई कोई ईसाई हैं, पहले कुफर आता है फिर सिख आता है हिंदू आता है ईसाई है, क्योंकि ये सिख होना बुत परस्ती ये जो है ना ये भी कुफर की जिस तरह कैटेगरी नहीं हो जाती, ये सिर्फ फिरके हैं उनके, मतलब कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है, इसी तरह उनकी ये ना अलहदा अलहदा ग्रोह है, जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है, ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से, मतलब कोई कह रहा है कि ये वीडियो एडिटिंग है, कोई कह रहा है कि यू नो सोलर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, आई थिंक वो सबसे फनीएस्ट पार्ट था, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करें, ये हमारी तरक्की नहीं हुई है, प्लस मीडिया उनके न्यूज़ रिपोर्टर्स न्यूज़ में जो मतलब सीनियर प्रोफेशनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यू नो दिस इज़ अ फेक न्यूज़ एंड हमें स्टूडियो में ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, व्हाट सच काइंड ऑफ यू नो आई डोंट नो, मतलब आई रियली डोंट हैव वर्ड्स, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आई होप आपको ये कंपाइलेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो और साथ ही हमारा चैनल और रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, खुश रहिए, अपने फैमिलीज के साथ हेल्दी रहिए, इंजॉय करिए, और एज आई से यूजुअली बी स्ट्रेस फ्री, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, इंजॉय एवरी मोमेंट एंड यू नो लव यू ऑल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।